हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो ये मॉक टेस्ट थी जिसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास मैथमेटिकल सेक्शंस के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के इस मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट के जो सेक्शन में पहला क्वेश्चन है आपके पास, वो है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 2x + 3 = 7, तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2x + 3 = 7। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा 7 - 3। 2x = 7 - 3, तो ये होगा 4, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा, मैंने आंसर लिख दिया है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, इफ ए सेट = 1 2 3, बी सेट 2 3 4, देन ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, यूनियन में सारे मेंबर्स लिखे जाते हैं, तो आप लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, तो आपका करेक्ट ऑप्शन अगेन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2, तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, उसका आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, तो अगेन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन होती है 1, 2, 2, 3, तो आप वो पॉइंट्स यूज करते। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको बताना है, तो आपके पास जो उसका फॉर्मूला होगा वो होगा n (n+1)/2। आपका फॉर्मूला क्या है, n (n+1)/2। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो n की जगह आप 10 पुट करते, 10 × 10+1/2, तो आप ये कैंसिल करते थे 5, और 5 को आप मल्टीप्लाई करते किससे, 11 से, क्योंकि 10 + 1 = 11, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 55, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो 1 + 2 + 3 + 4, ये अब तो सवान आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे अप टू 10 तक, तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, n (n+1)/2। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा = 3/5, देन कोस थीटा। अब देखें, साइन थीटा किसके बराबर है, 3/5 के, तो आपको क्या बताना है, कोस थीटा बताना है। ठीक है, तो आपने ये जनरल आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 के बराबर होता है। ठीक है, आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की आप सिंपल क्या वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या लेंगे, 3/5 का होल स्क्वायर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 9/25। ठीक है, तो ये 9/25 साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो ये अगर 9/25 प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1, तो ये वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा -9/25, तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा / LCM से सोल्व करेंगे तो 25 - 9/25, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25 - 9, तो ये होगा 16/25। अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को उस साइड रिमूव कर दें, तो ये होगा कोस थीटा (+-radical)16/25। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, (+-4/5). अब देखेंगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आप कोस थीटा की वैल्यू कौन सी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 4/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, तो अगेन आपका ए ऑप्शन करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, आपके पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो sin x / x। ठीक है, तो ये तो सीधा फार्मूला होता है, इसे हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम, तो ये थ्योरम होता है। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करना चाहें बाय एल ऑपिटल, तो आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। अब देखें, साइन थीटा ऊपर वाला जो, इसकी डेरिवेटिव करें साइन थीटा की, कोसेट डेरिवेटिव, और एक्स की 1 डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये जो लिमिट है, आप लिमिट इसमें पुट करें, क्योंकि थीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे, सॉरी एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, अब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो ये होगा cos 0° / 1, और आपको पता है cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के, और 1/1 अगेन आपका 1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम भी होता है कि साइन एक्स, अगर लिमिट एक्स अपोज टू 0 हो, तो साइन एक्स और एक्स का आंसर हमेशा 1 ही आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आपके पास सेवन क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन क्या करनी, क्या होगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं कि अगर एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो अगेन यहाँ पे आप क्या रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का, पावर में 1+, वही डिवाइड में, प्लस में आप आर्बिटरी कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होगा x²/2+, सी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें, एट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स गिवन है, इसमें क्या फाइंड करना है, आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो दो पॉइंट्स से स्लोप आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पहले आप क्या फाइंड करें, इक्वेशन फाइंड करें, और इक्वेशन को आप इक्वेशन से आप स्लोप फाइंड करें, तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अगर इसे हम इक्वेशन बनाना चाहें, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे,
एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड में वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, यहाँ से आप इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सपोज कर लें अगर इक्वेशन इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब इस इक्वेशन को आप लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो m की जगह जो भी वैल्यू होगी वो आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे खुद सॉल्व करेंगे आगे, तो आप देखेंगे इससे पहले आप किसी की इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे m की जगह जो भी होगा वो आपका होता है स्लोप और c को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन वन ही हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिएगा। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज फाइव एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सिक्स देन द इक्वेशन। अब देखें अगर सम ऑफ द रूट्स आपको गिवन हो एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अब देखें यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स, अगर रूट्स आपके पास अल्फा बीटा है, सम ऑफ द रूट्स प्लस इंटू एक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखें सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स, अब देखेंगे सम ऑफ द रूट्स आपके पास है फाइव, तो यहाँ पे आप फाइव पुट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके क्या है सिक्स, तो अगेन आप यहाँ पे इजिली इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोस जीरो डिग्री, तो कोस जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन। इलेवंथ क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब देखें यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पे यूज करेंगे सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है सी डिवाइड बाई ए, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप यूज करेंगे तो आप इजिली इस इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे, तो अगेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसके रूट्स जो होंगे वो हमेशा रेसिप्रोकल टू ईच अदर होंगे। ठीक है, उसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन है द बायनोमियल एक्सपेंशन, ये तो इजी जनरल फॉर्मूला है एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन इसकी क्या होगी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। थर्टीन क्वेश्चन है इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज एट एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज प्लस माइनस एट देन द नंबर्स आर, अब देखें ये जो मैंने क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने फोर लिखा था तो ये बाय मिस्टेक थी और मैंने आपको ये ग्रेस मार्क दे दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, अब देखेंगे वो ऑप्शन ऑप्शन में से चेक करें आप, अब देखेंगे दे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है रेडियल ए बी। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे इसने खुद बोला अगर अर्थमेटिक मीन 8 है तो ऑप्शन में देखें 4 प्लस 16 क्या होगा 20, 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 नहीं आएगा ऑप्शन, 12 प्लस 4 क्या होगा 12 प्लस 4 आपके पास 16 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा, लेकिन उन दोनों नंबर्स की ज्योमेट्रिक मीन अगेन 8 नहीं होगी क्योंकि 4 12 जा 48 होगा और 48 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8 नहीं होता, तो इसकी वजह से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन अगर 10 एंड 6 देखें, ठीक है, तो 10 प्लस 6 16, 16 को 2 से डिवाइड करें तो ये तो आपका अर्थमेटिक मीन होगा लेकिन ज्योमेट्रिक मीन अगेन ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो 8 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 तो ये अगेन होगा 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 यानी अर्थमेटिक मीन अगेन 8 तो ऑप्शन ये सही है और ज्योमेट्रिक मीन आप देखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो ये होगा 64 तो अगेन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 8 ही होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो ये मैंने आप सबको ग्रेस मार्क दी थी क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, तो आप देखें पहले आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन करें माइनस कोस एक्स की इंटीग्रेशन होती है, अब क्या करेंगे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी ये होगा कोस पाई माइनस इंटू माइनस कोस 0 डिग्री। ठीक है, अब देखें माइनस कोस कोस पाई किसके बराबर होता है कोस पाई बराबर होता है माइनस वन के और माइनस इंटू माइनस प्लस कोस जीरो किसके बराबर होता है वन के, तो माइनस इंटू माइनस अगेन पॉजिटिव वन और ये पॉजिटिव वन तो आपका आंसर आ जाएगा टू। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप टू एंड वाई इंटरसेप्ट इज माइनस थ्री, तो यहाँ पे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे कौन सा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई एम, एम आपका स्लोप होता है स्लोप क्या है टू एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या है माइनस थ्री, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सोर्स वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। उसके बाद 18 क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, ठीक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई पावर एक्स ही डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस, ठीक है तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको अगेन ऑप्शन मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वन बाय टू। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है द 20 क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखें साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन मतलब एक्स की हम कौन सी वैल्यू रखें जो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा आंसर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। अब देखिए साइन की जो जीरो होगा साइन जीरो अगर साइन एक्स जीरो के बराबर है मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, पहले तो साइन जीरो डिग्री जो है वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा होता है साइन पाए जो है वो भी आपके पास जीरो के बराबर होता है और अगेन साइन टू पाए भी जीरो के बराबर होता है।
ठीक है, साइन थ्री पाई भी अगेन किसके बराबर होता है, जीरो के। साइन फोर पाई अगेन जीरो, साइन फाइव पाई मतलब एन पाई, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एन पाई रखेंगे, तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, उसके बाद 21 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन ओवर एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन ओवर एक्स, अब यहाँ पे एक्स की जगह आप ये पुट करें वन ओवर जीरो, सॉरी एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी आई थिंक सो, ठीक है एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी, तो ये होगा वन ओवर इन्फिनिटी, और वन ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या होता है, जीरो। तो इसकी वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 क्वेश्चन है, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, वन ओवर एक्स। ठीक है, अगर आपने डेरिवेटिव का वीडियो मेरा नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो लॉग एक्स की डेरिवेटिव वन ओवर एक्स होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 24 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की क्या फाइंड करनी है हमें, इंटीग्रेशन करनी है एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये होगा पावर में एक प्लस वही डिवाइड में प्लस आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री प्लस सी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एच कामा के एंड रेडियस इज आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो आप फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ सर्किल का, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, यानी रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जनरल फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे आर आपको थ्री दिया होता सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आ जाता, नाइन आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका मैथ्स का पोर्शन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास सेक्शन आ जाता है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे तो उन्हें भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्लास एक्स आई के जो क्वेश्चंस थे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, तो आपका कौन सा कंपाउंड है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपके पास अगेन एलिमेंट है, हाइड्रोजन इज आल्सो एलिमेंट, नाइट्रोजन इज आल्सो एलिमेंट, बट वाटर जो है ये आपके पास क्या होता है, कंपाउंड होता है, क्योंकि किससे बना हुआ होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वाटर आपका करेक्ट ऑप्शन है। टू क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द नंबर ऑफ, तो एटॉमिक नंबर हम किसके नंबर को कहते हैं, एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन के नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, और मास नंबर किसके नंबर नंबर्स को कहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, जो न्यूक्लियस में होते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला क्या है, 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच आपको पता है 7 होता है, और जो 7 से ऊपर होते हैं वो आपके पास बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, और 7 के जो नीचे होते हैं वो आपके पास एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट 7 जो होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है सोर्स, उसके बाद है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन यानी 7 करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, एसेटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो है ये आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ठीक है, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन का एटम नंबर 6 होता है, तो इसकी वजह से इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और इसकी अगर हम वैलेंसी देखेंगे तो भी वो भी 4 ही होते हैं अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग्स रूल। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो मोस्ले ने दिया था, तो उसका जो एलिमेंट्स है वो किसके ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ एलिमेंट्स क्या है, अरेंज हो चुके हैं, अभी अरेंज्ड हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज मेटलॉइड, कौन सा मेटलॉइड होता है, मेटलॉइड किसे कहते हैं, जो मेटल भी, जो मेटल की प्रॉपर्टीज भी रखता हो और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज रखता हो, तो बोरॉन जो है आपके पास मेटलॉइड कहलाता है। ठीक है, इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, नॉन मेटल्स की भी। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, तो इजी क्वेश्चन था, NH3 अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। टेंथ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा आपके पास बॉन्ड बनता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो जाता कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इलेवंथ क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मेल्टिंग ऑफ आइस, एवापोरेशन ऑफ वाटर, कंबशन ऑफ गैसोलीन, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है कंबशन ऑफ गैसोलीन। ठीक है, कोई भी अगर गैस उसे आप कंबस करेंगे तो वो जो प्रोसेस होगा वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें हीट निकलती है, मतलब हीट क्या होती है, रिमूव हो जाती है, एमिट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कंबशन ऑफ गैसोलीन इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मिथेन CH4। ठीक है, मिथेन के CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं SP, SP2, SP3, SP3D। तो करेक्ट ऑप्शन है SP3। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या होती है, SP3 होती है।
उसके बाद 13 जो क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं सल्फ्यूरिक एसिड में। अब देख सकते हैं हाइड्रोजन की क्या होती है, +1। ठीक है, और ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, अगर नॉर्मल की हम बात करें तो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये होगा +2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट्स है तो ये होगा -8। ठीक है, तो ये होगा +2 एंड -8। अगर आप इसे न्यूट्रल करना चाहें तो आप सल्फर के कितने देंगे, जाहिर सी बात है सल्फर के आप +6 देंगे, तो अभी ये न्यूट्रल एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा +6, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैटालिसिस ड्यू इन द इंक्रीज द इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, दे आर कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दे प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लोअर करते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो ही तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कैटलिस्ट डिपेंड करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। ठीक है, और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को लो करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट के भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैटलिस्ट या प्रोडक्ट। तो उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है इंटरकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके पास द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ बायोगैस। ठीक है, बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूट आपके पास मिथेन गैस ही होता है। ठीक है, CH4 ये आपका बायोगैस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 17 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है सर, तो यहाँ पे सॉरी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है आई थिंक सो। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा, डेंसिटी जो है आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डेंसिटी होगा। ठीक है सर, 18 क्वेश्चन, द आईओपी एक नेम ऑफ CH3, CH2 एंड OH। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे पहले आप प्रायोरिटी देंगे कि बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल, तो आप उसे प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद कार्बन की चेन देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप अगर आईओपीएक नेम इसका देंगे तो इथेनॉल होगा, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोपेनॉल। यहाँ पे बॉन्ड देखते हैं, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो आप क्या करते हैं, आईओपीएक नेमिंग स्टार्ट वहाँ से करते हैं। ठीक है, मतलब बॉन्ड की होती है, उसके बाद चेन को आप देखते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोपेनॉल, इसका होगा आईओपीएक नेम। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में कौन सा एलिमेंट है जो एज अ रेफ्रिजरेटर यूज होता है। ठीक है सर, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास ऑप्शन है अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या मिथेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद 20 क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एन ईस्टर फॉर्म्ड। ठीक है, ईस्टर कौन से रिएक्शन में फॉर्म होता है, एडिशन, सब्सटीट्यूशन, एस्टरीफिकेशन या एलिमिनेशन। ठीक है, एस्टरीफिकेशन के थ्रू हम ईस्टर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन एस्टरीफिकेशन होता है। 21 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, कौन सा आपके पास ऑप्शन है, ग्लाइसिन, L9, ल्यूसाइन या सेराइन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ल्यूसाइन। ल्यूसाइन इज आल्सो नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास 23 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, H2SO4। ठीक है, ये आपका होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाता है। 24 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज हेलोजन, तो कौन सा हेलोजन है, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो हेलोजन की फैमिली में कौन सा एलिमेंट आता है, क्लोरीन आता है। ठीक है, 24 का क्लोरीन करेक्ट ऑप्शन होगा। 25 है, इन रेडॉक्स रिएक्शन द स्पेशीज द गेन्स इलेक्ट्रॉन इज, रेडॉक्स रिएक्शन में कौन सी स्पेशी ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड, प्रेसिपिटेड या डिसोसिएटेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिड्यूस्ड। ठीक है, रिड्यूस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट में आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिजिक्स में आपके पास क्लास एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आता है, विच आर द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स देयर फोर्स बिटवीन टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये डेफिनेशन होती है, स्टेटमेंट होती है कूलम्स लॉ की, जिसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 / R2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड रेज टू द हाइट h इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv². फिफ्थ क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंगल पेंडुलम, सिंगल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π
रेडिकल एल ओवर जी। तो ये फार्मूला होता है फॉर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला ये होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी का यूनिट होगा के जी मीटर पर सेकेंड, इसकी डायमेंशन होगी एम एल टी इनवर्स। ठीक है, ये आप याद कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद सेवन क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज फ्री फॉल द ओनली फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, तो अगर बॉडी फ्री फॉल में होगी तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो एक्ट करेगा, टेंशन, एयर रेजिस्टेंस, सॉरी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हैं टेंशन, एयर रेजिस्टेंस, और उसके पास आपके पास ऑप्शन है ग्रेविटी, फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उसमें जो एक्ट करता है फोर्स वो आपका हमेशा ग्रेविटी होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट नीचे डाउन आता है, ठीक है, तो ग्रेविटी ही उस पर एक्ट करती है। उसके बाद एट क्वेश्चन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, हम किसे कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल आउटसाइड ऑफ द सर्किल, डायरेक्शन ऑफ द मोशन अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्किल ही होती है। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में होगा तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द फोर्स अप्लाइड इज, अगर वर्क डन जीरो होता है तो उसका मतलब फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो आपका वर्क डन मैक्सिमम होता है, क्योंकि वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट और कोस जीरो किसके बराबर होता है, कोस जीरो डिग्री वन के बराबर होता है। मतलब अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे तो वर्क मैक्सिमम होता है, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गए तो वर्क आपका जीरो होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा परपेंडिकुलर। अब इलेवंथ केमिस्ट्री क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, द फेनोमेन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। ठीक है, ये फेनोमेन किसने दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे ने दिया था। थर्टीन क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नो मास, इट इज एनर्जी, इट इज चार्ज, इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज चार्ज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है ये फोटॉन की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और ये इसकी ये ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट्स के थ्रू, इतनी इसकी स्पीड होती है। ठीक है, इसके पास एनर्जी होती है, इसके पास मास नहीं होता, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इट इज चार्ज, ये प्रॉपर्टीज की नहीं है। फोर्टीन क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ये होती है। उसके बाद आपके पास 15 क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट यानी अल्टरनेटिंग करंट द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ अपेरेंट पावर टू रियल पावर, रियल पावर टू अपेरेंट पावर, या वोल्टेज टू करंट, करंट टू वोल्टेज। ठीक है, तो एसी सर्किट में जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है रियल पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं जब क्या अल्टरनेटिंग करंट का पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, रियल पावर को आप किसे, रियल पावर टू अपेरेंट पावर ही होगा। ठीक है, सुनो, उसके बाद 17 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर यूज टू ट्रांसफार्म किसी के लिए यूज करते हैं, चेंज द वोल्टेज ऑफ एन एसी सर्किट। ठीक है, अगर हमें अल्टरिंग करंट का क्या वोल्टेज चेंज करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। चलिए 18 क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज, वीक एंड लॉन्ग रेंज, वीक एंड शॉर्ट रेंज, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रेंज। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी रेंज जो होती है वो शॉर्ट होती है। 19 क्वेश्चन है, वेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स, अगर लाइट फ्रॉम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड ही होगी, तो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, हम इसे कहते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो वो क्या होती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। उसके बाद 20 क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव वेन दे पासिस थ्रू स्मॉल ओपनिंग, अगर स्मॉल ओपनिंग में लाइट पास करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डायफ्रेक्शन, किसी अगर स्मॉल पोर से लाइट पास आउट होती है, ठीक है, पास होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेड आउट होना, यानी यूं स्प्रेड हो जाती है लाइट। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायफ्रेक्शन, इसे हम कहते हैं। 21 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड, तो इसे हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है। 22 क्वेश्चन है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोंस्ट्रेट्स दैट लाइट इज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या आप डिफाइन करता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या डिफाइन करता है, अब आपके पास ऑप्शन जो है, वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर, बोथ वेव एंड पार्टिकल, या नाइदर वेव नॉर पार्टिकल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये डिस्क्राइब करता है कि इसकी वेव नेचर भी है लाइट की और पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, द स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूट कलर्स, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, जब एक लाइट व्हाइट कलर से डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। 24 क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय
जीरो रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, अगर ऐसा फेनोमेन जिसमें सुपर कंडक्टिविटी हो, ठीक है, इसमें इसका मतलब ये है अगर सुपर कंडक्टिविटी है किसी भी मटेरियल में, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस जीरो है, अगर रेजिस्टेंस जीरो होगी तो वो क्या कहलाएगा एलिमेंट या मटेरियल, वो कहलाता है सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो जीरो रेजिस्टेंस के थ्रू आप कोई भी मटेरियल क्या होगा सुपर कंडक्टर कहलाता है। 25 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम नहीं होगा, एल टी इनवर्स होगा, ठीक है, ठीक है। तो एल टी इनवर्स ये डायमेंशनल फार्मूला होता है वेलोसिटी का, मास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, उसकी डायमेंशन एल टी इनवर्स होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी टेस्ट थी, मॉक टेस्ट, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एंट्रेंस के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बात आपको आप सबसे कहनी थी कि जितने भी स्टूडेंट्स जो टेस्ट देंगे अपना एक्सपीरियंस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है, अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, ओवरव्यू दीजिएगा कि हमारे जो वीडियोज़ हैं क्या हमारे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हुए या नहीं हुए, तो ओवरव्यू आप लाजमी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।